हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है रॉयल रंबल से पहले का सेकंड लास्ट स्मैकडाउन, यानी कि यहाँ पर हमें काफी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें काफी कुछ शॉकिंग देखने को मिलने वाला है और WWE ने कुछ चीजें अभी से ही कर दी है ऑफिशियल, जैसे कि रोमन रेंस का सेगमेंट, एक काफी बड़ा टैग टीम मैच, इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने दिए ऑफिशियल, वो है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है ड्रू मैकएंटायर एंड सेमस वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच। जैसा कि आप सब जानते हो, लास्ट वीक सेमस एंड ड्रू मैकएंटायर ने डिमांड की थी अपॉर्चुनिटी के लिए एडम पियर्स से, और एडम पियर्स ने इसका सॉल्यूशन बताते हुए कहा कि नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट, जिसमें तुम भी शामिल होने वाले हो एंड तुम्हारा मैच होने वाला है फर्स्ट राउंड में वाइकिंग रेडर्स के साथ। सो वाइकिंग रेडर्स को भी WWE अच्छा खासा बुक करती है। ड्रू मैकएंटायर एंड सेमस तो कमाल की टीम है ही, बट हाँ, थोड़े ज्यादा चांसेस यहाँ पर जीतने के ड्रू मैकएंटायर एंड सेमस के रहेंगे, क्योंकि WWE अभी थोड़े लंबे टाइम तक इन्हें एक टैग टीम में रखने वाली है एंड क्या पता ये फ्यूचर में जाकर हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस भी बनते हुए दिख जाए। इसलिए ड्रू मैकएंटायर एंड सेमस हमें वाइकिंग राइडर्स को हरा कर टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद इस वीक के स्मैकडाउन के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए WWE ने एक काफी बड़ा मैच कर दिया है ऑफिशियल, और वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। जैसा कि आप सब जानते हो, कैरियन क्रॉस ने काफी पहले टारगेट कर लिया था रे मिस्टीरियो को, और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें कैरियन क्रॉस रे मिस्टीरियो के सामने आते हुए दिखते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि रे मिस्टीरियो वो रीजन है जिसकी वजह से डोमिनिक ये हरकतें कर रहा है, क्योंकि वो सही से रेज नहीं कर पाए अपने सन को। और उसके बाद रे मिस्टीरियो ने गुस्से में अटैक भी किया कैरियन क्रॉस पर, लेकिन स्कारलेट की मदद से हमें कैरियन क्रॉस ही रे मिस्टीरियो पर भारी पड़ते हुए दिखते हैं और उन पर काफी बुरी तरह से करते हैं अटैक। और गाइज, जैसा कि इनका मैच नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए हो चुका है ऑफिशियल, तो इस वीक के स्मैकडाउन में WWE जरूर से उस मैच के लिए हाइप क्रिएट करना चाहेगी, और इस वीक हमें रे मिस्टीरियो अटैक करते हुए दिख सकते हैं कैरियन क्रॉस पर। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर के बारे में, तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें गुंथर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच IC चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था, जहां पर गुंथर की एक कमाल की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली एंड उन्होंने पिन कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को और रिटेन कर ली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बट मैच के दौरान इंपेरियम के बंदे ने हेल्प करने की कोशिश की थी गुंथर को, तो मे भी हो सकता है इस रीजन के साथ गुंथर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन की फ्यूड कंटिन्यू रहे, और इस वीक के स्मैकडाउन में ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी रीमैच की डिमांड करते हुए दिख सकते, नहीं तो गुंथर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन की फ्यूड अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, और इस वीक के स्मैकडाउन में आप सबको गुंथर के सामने कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। तो चांसेस तो ज्यादा न्यू चैलेंजर के रहेंगे, अब लेट्स सी वो होता कौन है। वैसे आप किसे देखना चाहोगे गुंथर के नेक्स्ट अपोनेंट के रूप में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए ब्रे वाइट, अंकल हॉडी एंड एले नाइट के बारे में। जैसा कि ब्रे वाइट एंड एले नाइट का मैच हमें देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, बट अभी हमें अंकल हॉडी का भी कमाल का सीन देखने को मिल रहा है। वो एलेक्सा ब्लिस के फ्यूड में भी इंटरफेयर कर रहे, वो ब्रे वाइट और एले नाइट के फ्यूड में भी एंटर कर रहे, और जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में WWE ने हम सभी को एक QR कोड दिखाया था, जिसे स्कैन करने के बाद पता चलता है कि फिंड अभी जिंदा है, यानी कि फिंड का रिटर्न WWE टीज कर रही है। तो अगर फिंड फेस करने वाले एले नाइट को रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, तो हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में हमें फिंड की अपीयरेंस भी देखने को मिल जाए, नहीं तो नॉर्मल ब्रे वाइट एंड एले नाइट के बीच प्रोमो सेगमेंट या फिर ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है। और अगेन अंकल हॉडी का क्या कुछ रोल रहता है वो तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ही। इसके बाद फाइनली जिस चीज को WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। जैसा कि गाइस आप सबको पता ही है, रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को कहा था कि वो फेस करे केविन ओवेंस को और उन्हें हरा कर अपने आप को प्रूव करे, लेकिन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में जब सैमी ज़ेन मैच एंड करने वाले थे, यानी कि वो जीतने वाले थे, तभी हमें वहां पर ब्लड लाइन आते हुए दिखती है और वो अटैक करती है केविन ओवेंस पर, जिस चीज से सैमी ज़ेन खुश तो नहीं हुए बिकॉज इसके वजह से उनकी हार हो चुकी है डिस्क्वालिफिकेशन से, लेकिन हाँ, उन्हें ब्लड लाइन के साथ रहना था, इसलिए ज्यादा इनके बीच हमें तू-तू मैं-मैं होते हुए नहीं दिखी। लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस का जब हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाला है, तो सैमी ज़ेन की तरफ से कुछ मेजर रोल देखने को मिल सकता है, यानी कि वो हमें कंफ्यूज होते हुए दिख सकते हैं कि उन्हें किसका साइड लेना है, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का या फिर अपने फ्रेंड केविन ओवेंस का। और हो सकता है हमें रोमन रेंस भी डाउट करते हुए दिख जाए सैमी ज़ेन पर, लेकिन जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक का स्मैकडाउन होने वाला है रॉयल रंबल से पहले का सेकंड लास्ट स्मैकडाउन, और फैंस उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इनके
अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, बट इस वीक के स्मैकडाउन में WWE फैंस को एक्साइट कर सकती है रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस के बीच एक कमाल का ब्रॉल दिखाकर। यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस हमें ब्लड लाइन के साथ मिलकर काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए दिख सकते हैं केविन ओवेंस पर, जिससे वो केविन ओवेंस को ये बता देंगे कि रॉयल रंबल में उनकी जीत होने वाली है और वो निकलने वाले हैं रॉयल रंबल से एज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो आप सब कह सकते हो रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली सेगमेंट नॉर्मली एंड होगी, इसके काफी कम चांसेस है यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो गाइज यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है, लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना अगर इस वीक के स्मैकडाउन में हमें केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस के बीच ब्रॉल देखने को मिलता है तो आपको क्या लगता है वहां पर अपर हैंड किसे मिलने वाला है, रोमन रेंस को या फिर केविन ओवेंस को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।